इंटरसेप्ट रिमोट सेंसर्स, सतह और वायुमंडलीय तापमान, वर्षा की तीव्रता, हवा और बादल के क्षेत्र के नक्शे, नमी और लवणता के नक्शे। पैसिव रिमोट सेंसर्स इस प्रकार की जानकारी को मापते हैं, जिससे हमें अपने ग्रह का बेहतर अध्ययन करने और प्राकृतिक आपदाओं को रोकने और बेहतर बनाने में मदद मिलती है। पैसिव रिमोट सेंसर्स सभी निकायों द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का पता लगाते हैं, जैसे कि थर्मल अवरक्त ऊर्जा और परावर्तित जमीन और महासागरों से सूरज की रोशनी ऊर्जा, जो रात में मापा नहीं जा सकता है। सभी निकाय जिनका तापमान 0 केल्विन से अधिक है, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। पैसिव रिमोट सेंसर्स या रेडियो मीटर्स इस ऊर्जा को मापते हैं, चाहे वह ऐसी सूक्ष्म तरंग आवृत्तियों या अवरक्त या ऑप्टिकल तरंग दैर्ध्य हो। पैसिव रिमोट सेंसर्स स्वाभाविक रूप से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा जैसे कि अवरक्त या सूर्य के प्रकाश का पता लगाते हैं, लेकिन अन्य उद्देश्यों के लिए मूल रूप से बनाए गए संकेतों को भी माप सकते हैं। इन्हें सिग्नल्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कहा जाता है। उदाहरण है वैश्विक नेविगेशन उपग्रह सिस्टम्स, जैसे कि अमेरिकी GPS, रूसी ग्लोनास या आगामी यूरोपीय गैलीलियो और चीनी बेइडो। ये संकेत पृथ्वी से परावर्तित होते हैं जैसे सूरज की रोशनी, और इसे पैसिव रिमोट सेंसर्स द्वारा मापा जाता है। इसे GNSS रिफ्लेक्टोमेट्री कहा जाता है। हम एक प्रिज्म से प्रकाश के समान वायुमंडल द्वारा इन संकेतों के मुड़ने को भी माप सकते हैं, जैसा कि सूर्योदय सूर्यास्त के दौरान परावर्तित होता है। इसे GNSS रेडियो ऑक्यूलेशंस कहते हैं। इन संकेतों और उनके परावर्तन के बीच का अंतर जो हमें प्राप्त होता है, हमें हमारे ग्रह पर या उसके आसपास विभिन्न वस्तुओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। आइए बेहतर तरीके से समझने के लिए कि एक पैसिव सेंसर कैसे काम करता है, एक प्रयोग करें। एक रेडियो को एक आवृत्ति सेटिंग में रेडियो स्टेशन के बिना ट्यून करें और आप शोर सुनेंगे। हालांकि इस शोर के दो प्रकार होते हैं, एंटीना द्वारा प्राप्त होने वाला शोर और रेडियो द्वारा उत्पन्न किया गया शोर। अब रेडियो से एंटीना को अनप्लग करें और आप केवल दूसरे प्रकार के शोर को अपने आप सुनेंगे। इसलिए एक पैसिव सूक्ष्म तरंग रेडियो मीटर को इन दो प्रकार के शोर को अलग करने की आवश्यकता होती है, और केवल एक जो एंटीना द्वारा प्राप्त होता है को मापता है।